नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि अनेक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनका जो विशेषता विश्लेषण है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं? जब प्रतिरोधकों का इस प्रकार संयोजन हो कि धारा प्रवाह का मार्ग केवल एक ही हो और जो प्रतिरोधक है प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है तो वह श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी संयोजन किस प्रकार का होगा? देखो, मान लो दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि धारा प्रवाह का मार्ग केवल एक ही है। इनमें धारा प्रवाह, जो भी धारा प्रवाह होगी वो केवल पथ एक ही है धारा प्रवाह का। और मान लो ये प्रथम प्रतिरोध है R1, ये द्वितीय प्रतिरोध R2, ये तृतीय प्रतिरोध R3, तो R1 का अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम से और द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो यह श्रेणी संयोजन कहलाता है। अब देखो, श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि धारा का मान एक ही है तो धारा आई टी बराबर आई वन बराबर आई टू बराबर आई थ्री, यदि तीन है तो, चार है तो आई फोर, पाँच है तो आई फाइव, जो भी है, तो सभी में धारा का मान समान रहेगा। मान लो इसमें से कुल प्रवाहित धारा आई टी है, इसमें से प्रवाहित धारा आई वन है, इसमें से प्रवाहित धारा आई टू है, इसमें से प्रवाहित धारा आई थ्री है, तो आई टी बराबर आई वन बराबर आई टू बराबर आई थ्री होगा। जबकि वोल्टता का मान अलग अलग होगा, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार अलग अलग घटकों पर खपत वोल्टेज लगाए गए विभव के बराबर होगा। अर्थात इन अलग अलग घटक या जो रेजिस्टेंस है इस पर खपत वोल्टेज, मान लो इस पर V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है, तो इन पर खपत वोल्टेज लगाए गए विभव के बराबर होगा। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी वोल्टता का मान अलग अलग रहेगा जबकि धारा का मान समान रहेगा। किसमें? श्रेणी परिपथ में। तो हम कह सकते हैं कि VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इन तीनों का योग, विभव का योग लगाए गए विभव के बराबर होगा। मान लो ये VT। अब देखो, अब इनका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है R इंटू आई, या V बराबर R इंटू आई। अब यदि V1 ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं V1 बराबर हो जाएगा R1 इंटू आई वन। यदि V2 ज्ञात करना है तो हो जाएगा R2 इंटू आई टू। यदि V3 ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं R3 इंटू आई थ्री। जबकि I1, I2, I3, IT के बराबर है तो हम केवल I भी कह सकते हैं, तो हम इसे, क्योंकि I तो समान है तो हम केवल I भी कह सकते हैं। अब देखो, V1 की जगह हम ये मान रख सकते हैं R1 इंटू I1, तो यहाँ V1 की जगह हम रख सकते हैं R1 इंटू I प्लस V2 की जगह हम रख सकते हैं R2 इंटू I, तो R2 इंटू I प्लस V3 की जगह रख सकते हैं R3 इंटू I, तो R3 इंटू I। अब देखो, I, I, I तीनों में कॉमन है तो VT बराबर I कॉमन में ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि तीन है तो तीन, चार है तो चार, पाँच है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अब ये देखो, इस गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? VT अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5, 6, जो भी है। अब देखो, V अपॉन I बराबर क्या होता है? R, तो सूत्र क्या बन जाएगा? RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि चार है तो चार, पाँच है तो पाँच, छः है तो छः, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में अनेक प्रतिरोध लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी प्रतिरोध इनका योग होगा, सभी प्रतिरोधकों का योग होगा, वोल्टेज भी सभी का योग होगा जबकि धारा का मान समान रहेगा। अब देखो, धारा तो सभी में समान है,
अब इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध सभी का योग हो रहा है, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो जो उच्चतम मान प्रतिरोध होता है उससे भी ज़्यादा होता है इसका कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो उच्चतम मान प्रतिरोध है उससे भी ज़्यादा होगा। अब देखो, यदि इसमें शक्ति ज्ञात करनी हो तो श्रेणी परिपथ में शक्ति, शक्ति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा श्रेणी परिपथ में। देखो, शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई, और यदि V बराबर ज्ञात करना हो तो V बराबर हो जाएगा P अपॉन I। अब देखो, श्रेणी परिपथ में I समान है, यदि 1 है तो ये 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, तो हम V1 की जगह क्या रख सकते हैं, P1 अपॉन I1 या केवल I, क्योंकि I तो समान है, यानी इसकी शक्ति मान लो P1 है, इसकी शक्ति P2 है, इसकी शक्ति P3 है, तो क्या होगा, देखो V1 की जगह हम रख सकते हैं P1 अपॉन I, V2 की जगह हम क्या कह सकते हैं, V2 बराबर हो जाएगा P2 अपॉन I, I2 या I, तो P2 अपॉन I प्लस P3 अपॉन I, I तीनों में कॉमन है तो VT बराबर 1/I कॉमन ले लो, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जो भी है। अब देखो, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो VT इंटू आई बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 4, 5, 6 जो भी है। अब सूत्र क्या बन जाएगा, देखो V इंटू आई को क्या कह सकते हैं, P, तो PT बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जो भी है। तो श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान होता है, वोल्टता का मान सभी वोल्टताओं का योग होगा, कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के मान का योग होगा, और कुल शक्ति सभी शक्तियों का योग होगा। तो ये इस प्रकार से हम इसकी शक्ति, वोल्टता और प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, एक प्रश्न लेकर ही हल करते हैं इसको किस प्रकार से हैं, यानी इसका कुल प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये प्रश्न से ही हल कर लेते हैं। मान लो ये परिपथ है, इसमें प्रतिरोधकों का मान अलग अलग दे रखा हो, मान लो कि इस प्रतिरोध का मान है 15 ओम, इसका मान है 25 ओम, इसका मान मान लो कि 10 ओम, आपूर्ति वोल्ट 200 वोल्ट है, तो बताओ इस परिपथ में I बराबर क्या होगा, या यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दे और पूछ लेगा इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, या यहाँ वोल्ट मीटर लगा दे या यहाँ लगा दे और पूछ लेगा इसकी वोल्टता का मान क्या होगा, तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो 15 ओम, 25 ओम और 10 ओम तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान क्या है 15 ओम, R2 का मान क्या है 25 ओम, R3 का मान क्या है 10 ओम, कितना हो गया 25, 40, 10, 50 ओम। तो कुल प्रतिरोध RT बराबर क्या हो गया 50 ओम। अब ज्ञात करनी है हमें I, I बराबर क्या होता है V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R, V का मान क्या है 200 वोल्ट, R का मान क्या है 50, कितना हो गया 4 एम्पियर। तो परिपथ धारा का मान क्या हो गया 4 एम्पियर, यानी इस परिपथ में से प्रवाहित धारा क्या हो गई 4 एम्पियर। पूछ लेगी R1 में से प्रवाहित धारा क्या होगी, तो 4 एम्पियर, R2 में से प्रवाहित धारा तो भी 4 एम्पियर, R3 में से प्रवाहित धारा तो भी 4 एम्पियर। अब यहाँ वोल्टता का मान ज्ञात करना है, तो इस वोल्टता का मान क्या होगा, देखो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है, किस प्रकार से निकालेंगे,
इसे V1 कह सकते हैं, इसे V2 कह सकते हैं, इसे V3 कह सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है R इंटू I। R कौन सा? 1 है तो 1, 2 है तो 2। तो V1 है तो V1 बराबर R1 इंटू I1, और यदि V2 ज्ञात करना है तो V2 बराबर R2 इंटू I2। चलो सभी का ही मान ज्ञात कर लेते हैं अलग अलग। पहले 1 का ज्ञात कर लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? तो V1 बराबर R1 इंटू I। R का मान क्या है? 15। I का मान क्या है? 4। इसका प्रतिरोध 15 ओम, प्रवाहित धारा 4 एम्पियर, तो कितना हो गया? 60 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस खपत वोल्टेज का मान क्या होगा? 60 वोल्ट। अगला क्या है? दूसरे V2। V2 बराबर क्या होगा? R2 इंटू I। R2 का मान क्या है? 25 ओम। I का मान क्या है? 4 एम्पियर, कितना हो गया? 100 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस खपत वोल्टेज क्या होगा? 100 वोल्ट, यानी इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? 100 वोल्ट। अगला V3। V3 बराबर है R3 इंटू I। R का मान क्या है? 10। I का मान क्या है? 4 एम्पियर, कितना हो गया? 40 वोल्ट। इसके अक्रॉस खपत वोल्ट क्या होगा? 40 वोल्ट। अब देखो, अपना किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम था वो क्या था कि अलग अलग घटकों पर खपत वोल्टेज लगाए गए वोल्ट के बराबर होता है, तो वो भी यहाँ सिद्ध हो जाएगा। देखो इस पर कितने खपत हो रहे हैं? 60 वोल्ट। इस पर कितने खपत हो रहे हैं? 100 वोल्ट। इस पर कितने खपत हो रहे हैं? 40 वोल्ट। तो VT बराबर क्या हो जाएगा? VT बराबर क्या होता है? VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यदि 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो किस प्रकार से निकालेंगे? V1 का मान क्या है? 60। V2 का मान क्या है? 100। V3 का मान क्या है? 40। कितना हो गया? 200 वोल्ट। तो अलग अलग घटकों पर खपत वोल्टेज लगाए गए वोल्ट के बराबर होगा, तो ये भी यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो अब देखो, इस परिपथ में अभी बात कर रहे थे कि कुल प्रतिरोध उच्चतम मान प्रतिरोध से उच्च होगा, वो भी देखो किस प्रकार से होगा। इसका कुल प्रतिरोध कितना हो रहा था? 50 ओम। RT बराबर अभी निकाला था, 50 ओम आ रहा था। तो इसका कुल प्रतिरोध क्या है? RT बराबर आ रहा है 50 ओम। तो देखो हमने क्या किया कि शुद्ध इसमें क्या बताया था कि कुल प्रतिरोध उच्चतम मान प्रतिरोध से उच्च होगा। देखो इसका उच्चतम मान उच्च प्रतिरोध कौन सा है? 15, 25 और 10, ये 25 ओम वाला उच्चतम है। तो कुल प्रतिरोध या परिपथ का कुल प्रतिरोध उच्चतम 25 से भी ज़्यादा होगा, यानी 50 ओम। कई बार एग्जाम में सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि दिए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा 15 ओम, 25 ओम, 10 ओम या 25 ओम से ज़्यादा या 10 ओम से कम। तो श्रेणी परिपथ के अंदर जो उच्चतम मान प्रतिरोध होता है उससे भी उच्च होता है, तो 25 से ज़्यादा होगा इसका प्रतिरोध। दूसरी कंडीशन इसमें यह भी पूछ लेते कई बार वोल्टता कि दिए गए परिपथ में या श्रेणी परिपथ में वोल्टता का मान क्या होगा, यानी सर्वाधिक खपत वोल्ट किस पर होगे? तो जो उच्चतम मान प्रतिरोध होता है उस पर सर्वाधिक ज़्यादा यानी सर्वाधिक वोल्ट खपत होंगे, यानी सबसे ज़्यादा वोल्ट खपत उच्चतम मान प्रतिरोध पर होगे। यानी इसी की बात करें तो देखो इस पर 25, इस पर 100 वोल्ट खपत हो रहे हैं, इस पर 60 हो रहा है, इस पर 40। तो जिसका मान सर्वाधिक होगा प्रतिरोध का उस पर सबसे ज़्यादा वोल्ट खपत होगा श्रेणी परिपथ में, और जिसका मान सबसे कम होगा उस पर सबसे कम वोल्ट खपत होगा। देखो इसका मान कम है 10 ओम, तो इस पर सबसे कम वोल्ट खपत हो रहे हैं 40 वोल्ट ही। और यदि श्रेणी परिपथ में एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तो क्या होगा? यदि श्रेणी परिपथ में एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तो क्या होगा? मान लो यही प्रश्न लेते हैं, ऋषि का हल करके देख लेते हैं। मान लो यह परिपथ है, इसके अंदर एक परिपथ में ओपन सर्किट हो जाए तो, मान लो यह ओपन हो गया, ब्रेक हो गया, तो परिपथ का प्रतिरोध RT बराबर अनंत हो जाएगा, क्योंकि यहां से यह ओपन सर्किट हो गया, धारा I बराबर 0 हो जाएगी या 0 एम्पेयर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और परिपथ का प्रतिरोध
अनंत हो जाएगा। यदि एक कोई सा भी मान लो ये हो चाहिए कोई सा भी हो, तो जो जो प्रतिरोध ओपन होगा कोई भी, तो परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा और धारा प्रवाह का मान शून्य हो जाएगा। यदि कोई प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाए, मान लो ये परिपथ है, ये प्रतिरोध शॉर्ट हो गया, लघु पतित हो गया, अब क्या होगा? परिपथ प्रतिरोध आरटी बराबर क्या होगा? अब देखो पहले कितना था, 15, 40, 50 ओम था, अब कितना हो रहा है, केवल दो ही प्रतिरोध लगे हुए हैं, कितना हो गया, 40 ओम हो गया। पहले 50 ओम था, अब कितना हुआ है, 40 ओम, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि एक परिपथ या एक प्रतिरोध लघुपतित हो रहा है तो परिपथ प्रतिरोध घट जाएगा और धारा I बराबर क्या होगी, I बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, 4 एम्पियर आ रही थी ना इसमें, अब कितनी होगी, 40। I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, V का मान कितना है इसमें, 200 था ना, और I R का मान कितना हो गया, 40, कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो परिपथ धारा बढ़ जाएगी यदि एक कहीं भी एक ओपन हो जाए तो। अब यदि ये प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, अनेक प्रतिरोध समान मान के लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध किस प्रकार से निकालेंगे? यदि श्रेणी क्रम में अनेक प्रतिरोध समान मान के लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो अपना सूत्र क्या था, आरटी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मान लो 3 के बजाय 4 या 5 है तो R4 प्लस R5। कई बार सीधा सवाल आ जाता है कि 10 ओम के प्रतिरोध है और इनकी संख्या 5 है, संख्या है 5, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए, यानी 10-10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? या सीधा इस सूत्र पूछ ले कि श्रेणी क्रम में समान मान के प्रतिरोध लगे हुए तो इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या होगा, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो सभी का मान समान है तो हम कह सकते हैं कि जो समान है उसे R कह सकते हैं, एक प्रतिरोध का मान R है, दूसरे का भी R है, तीसरे का भी R है, तो हम इसे R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, तो कितना हो गया, 5 प्रतिरोध है तो 5R, 6 तो 6, 4 है तो 4, 4 टाइम लिख देंगे, तो 5 टाइम लिखेंगे इसे, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5R, ये RT बराबर हो गया 5R। यहाँ 5 क्या है, प्रतिरोधकों की संख्या, आर क्या है, एक प्रतिरोध का मान, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आरटी बराबर एन इंटू आर। एन क्या है, प्रतिरोधकों की संख्या, आर क्या है, एक प्रतिरोध का मान। यदि इसी प्रश्न में हम हल करें कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, आरटी बराबर एक, प्रतिरोधकों की संख्या क्या है 5, प्रतिरोध का मान क्या है 10 ओम, तो कितना हो गया 50 ओम। चाहे इसी सूत्र से निकालेंगे तो भी 50 आएगा, क्योंकि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 50 आएगा, या इससे निकाले तो भी एक ही आएगा। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में अनेक प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से इन्हें हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।